टैक्स वाले ने पकड़ लिया हमें भाई। तभी बोलता हूँ देहरादून आप कभी भी आओ सेल टैक्स का बिल्कुल ध्यान दो। अब देखो पकड़ लिया, अब जा रहे हैं। छोड़ दिया सर ने, वहाँ पर बैठे हुए हैं और रोक लिया था। फिर ये इसीलिए कहता हूँ ये भी बेल वगैरह अच्छे से चेक कर लिया करो। ये गाड़ी भी रोकी है, तीन लगातार जिन चार गाड़ियाँ रोकी थी। तो आप कभी ओवरलोड ट्रक होते हैं इनके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत स्लो जाते हैं भाई। पहला गियर लगाना पड़ गया, सोचने वाली बात है। महिंद्रा की गाड़ी को पहला गियर पहाड़ों में लगाना पड़ जाता है कभी कभी, वो भी अंडर लोड के नीचे हूँ भाई। ओवरलोड होता तो मैं मानता भी पहला गियर लगाना पड़ेगा। अब तीन चार क्विंटल है तभी भी पहला गियर लगाना पड़ जा रहा है। ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं कि भाई कार वालों को खास करके रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ करते हो। ये भी तो कार वाले हैं, कितने अच्छे बंदे हैं, दोनों अच्छे से चल रहे हैं कि भाई ओवरटेकिंग के ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। और देखो इन लोग के चक्कर में बस ट्रक टेढ़े टेढ़े होके आ रहे हैं भाई। गलती किसकी है सच बताना कॉमेंट करके। तो फिर से गेड़ा मिल चुका है, गाइस यहाँ पे हो गया गाड़ी लोड और मेरे को भाड़ा मिल चुका है 8,500 रुपये मिला है अपना देहरादून का। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ अब देहरादून के साइड और काफ़ी अच्छे लोग थे। वजन कुछ भी नहीं है, वजन मुश्किल आप लोगों ने देखा ही है अभी वीडियो में कि दो कार्टून सा है। और मेरे हिसाब से जो तीन सौ किलो भी हुआ ना तो 5 क्विंटल है वजन, इससे ज़्यादा नहीं है। सो निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट। तीन मेरे ख्याल 300 किलो होगा, उन्होंने जो मैडम ने बोला था 150 किलो है। तो भाई 150 के हिसाब से 300 किलो हो गया, 3 क्विंटल मतलब। तो भाई भगवान की कृपा ऐसे बनी रहे क्योंकि यार कुछ दिन के बाद अपनी गाड़ी खड़ने वाली है। सो ऐसे एक भाड़ा मिलता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि फिर मुझे किस्त भरने में आसानी रहेगी। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे होना चाहिए भाई। तिरपाल जो मैंने नवा लिया था अब डाला है, मैंने पीला तिरपाल भी डाला है और रस्सा भी नवा वाला यूज़ किया है। सो अपने को रस्सा मेरे को पड़ा था 120 रुपये किलो और तिरपाल लिया था मैंने 750 रुपये का। सो बने रहो गाइस वीडियो में, अब चलते हैं देहरादून की तरफ। और यहाँ से मैंने साई ट्रांसपोर्ट से लोडिंग किया है, आप लोग को नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ मैं साई ट्रांसपोर्ट का। आप लोग को नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ साई ट्रांसपोर्ट का, आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेगा। और बने रहिए वीडियो में गाइस। ये जो अब ये माल लेके जा रहा हूँ ये उतरेगा भी सेलाकुई में, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सेलाकुई में उतरेगा तो मैं अब जाके आराम से वहाँ पर चैन की नींद सो सकता हूँ मुकेश ट्रांसपोर्ट पे और सवेरे उठ के जाके अपना खाली करा सकता हूँ। सो अब पहले फ़ोन लगाता हूँ उस सर को जो कि जिनसे खाली कराना है, मतलब कि उनसे नंबर वगैरह ले लेता हूँ और सेलाकुई में कहाँ पे आना उनसे पूछ लिया जाए क्योंकि फिर अभी छुट्टी का टाइम हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी अपने को। आप लोग एक बात बताइए मुझे कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रैफिक कहाँ की लगती है, आप लोग कहाँ पे रहते हो सब कुछ कमेंट कीजिए। और ये ज़रूर बताइए कि भाई कौन कहाँ की बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैफिक है। फिलहाल तो मैं कभी दिल्ली के अंदर नहीं घुसा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक भाई देहरादून की ट्रैफिक लगती है। बाकी आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताएं कमेंट करके कि भाई आपको कहाँ की ट्रैफिक बहुत खतरनाक लगती है। हरिद्वार और देहरादून की मेरे को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। भाई सामने ठंडा पानी या स्टील चल रहा है, लंगर लगाया हुआ है किसी ने, तो काफ़ी अच्छी बात है यार लंगर लगा हुआ है बहुत बहुत भाई। इन लोग को खूब तरक्की दे भगवान, आगे बढ़े ये लोग, ऐसे ही सब जगह लंगर लगे ताकि यार भूखों को रोटी मिल सके। तो काफ़ी अच्छी बात है यार कि एक इंसान, हम लोग को तो रोटी नसीब होती है, कई इंसान ऐसे भी हैं कि जो बेचारे भूखे सो जाते हैं, तो उनके लिए मैं प्रेयर करना चाहूँगा कि भाई उन लोग का पेट पूरा फुल हो के वो सोए। सो मेरी बातें जो अच्छी लगती हो दोस्तों तो एक लाइक कर दिया करो और देन नए होते हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के भाई फॉलो किया करो ताकि आपका भाई आगे बढ़े तरक्की करे, आप लोग को भी तरक्की करवाए क्योंकि आपके भाई का जब नाम बनेगा तभी तो तरक्की हम लोग साथ में करेंगे। अभी आपका भाई का उतना बड़ा नाम नहीं है फिर भी जितना हो सके उतना मदद मैं आप लोग का करता हूँ। सो बने रहे गाइस वीडियो में। तो यहाँ पे कितनी सारी ट्रैफिक है भाई, ये पूरा फ्लाई ओवर पे ना, ये बाटा चौक वाला फ्लाई ओवर है मेरे ख्याल से, बाटा चौक ही कहते हैं। और साथ में यहाँ पे JCB की कंपनी है देख सकते हैं इस साइड, और बहुत सारी फैक्ट्री है यार फरीदाबाद में, कह सकते हैं फैक्ट्री का ये भी खजाना ही है एक हिसाब से भाई, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री यहाँ पर भी। और
भाई हकीकत बताऊं आप लोग को, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही है एक हिसाब से देख लो। वाह यार ये देखो जेसीबी ट्रेन में लोड हुई है यहाँ पर, आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, देखते जेसीबी ट्रेन में लोड हुई पड़ी है और काफ़ी ख़तरनाक बात है भाई। इधर जेसीबी बहुत ज़्यादा बनता है ना, इसलिए जेसीबी ट्रेनों में लोड होके भी जाती है वही पार्सल करने के लिए। और ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है भाई, देख सकते हो कितना धीरे धीरे चल रहा हूँ, 8 की स्पीड है और उस पर भी ब्रेक मारना पड़ रहा बार बार। बाकी सब ये देख सकते हैं, ये स्टेशन है मेरे ख्याल से फरीदाबाद स्टेशन है, नहीं सॉरी कोई और है, स्टेशन का नाम कुछ और है। वाओ क्या खतरनाक एरिया है यार पूरा, देख सकते हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक की बात कर ही रहा था, ट्रैफिक मिल ही गई खतरनाक वाली, देख सकते हो ट्रैफिक भाई यार हर जगह यही हाल है, ट्रैफिक का हुआ है बुरा हाल। यहाँ पे ऑटो वाले यार भाई बहुत ओवरटेकिंग करते हैं, बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा मुझे कि भाई कहीं टच ना कर दे, कोई नुकसान ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का भी टेंशन है ना, तो बहुत ध्यान से चल रहा हूँ मैं। फाइनली मैं आ गया हूँ टोल पे, एक KMP चढ़ने लगा हूँ भाई, बहुत बुरी तरीके से आया यहाँ आया हूँ सच बता रहा हूँ, क्योंकि आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। टूल कटवा के अब निकल चुका हूँ, अब देन ऊपर चढ़ेंगे। अब आप लोग को मैं एक बात बताना चाहूँगा यार भाई, असल में बता रहा हूँ कि फरीदाबाद से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी और मुझे 200 रुपये कमीशन भी मतलब कि पुलिस को देना भी पड़ा। रीज़न क्या है, क्यों देना पड़ा मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इसलिए देना पड़ा ना भाई लोग, रीज़न ये था कि भाई मैं रॉन्ग साइड हल्का चला गया था और भाई मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था कि वो रॉन्ग साइड है क्या सीन है, मैं चला गया और भाई 200 रुपये एक्स्ट्रा मुझे पेनल्टी देनी पड़ी। बट चलो कोई बात नहीं, आगे से नॉलेज मिल गया यार भाई, ध्यान देना पड़ेगा, हो जाता है गलती आपके भाई से भी। भाई आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से चलिए, कहीं किसी और शहर में जाते हैं आप हल्का सा भी गलती कर देंगे ना तो पुलिस वाले आपसे मतलब कि आपको पेनल्टी लगाएंगे ही लगाएंगे, आप लोग एक बात नोट कर लीजिए। तो आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से चलिए भाई, बिल्कुल ही ध्यान से, प्लीज़ रिक्वेस्ट। फाइनली ये ऐसे मैंने त्रिपाल वगैरह बांध दिया था, आप लोगों को दिखाया नहीं था, बट अब रोड पे आ गया हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ। और आप सभी को सबसे पहले तो नमस्ते, आप सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय भीम सभी भाइयों को। और लोग खोल लूँ पहले, और बहुत अच्छी तरीके से त्रिपाल डाला था, 3 त्रिपाल डाला हूँ भाई, 3 त्रिपाल, ये देख सकते हो, एक ये त्रिपाल हो गया, एक इसके अंदर है, एक पीली त्रिपाल है जो मैं नवी लेके आया था। तो अब यहाँ पे टैक्स काटते हैं अपना यूपी का और उत्तराखंड का, फिर चलेंगे क्योंकि टैक्स काटना बहुत जरूरी है। आप लोग ये सोचिए कि मैं हल्का रॉन्ग साइड चला गया तो मेरे से 200 रुपये वसूल लिया गया है, जो मैं 50 रुपये का टैक्स और 260 रुपये का उत्तराखंड का ना काटूँ तो फिर ये लोग मेरे से और वसूलेंगे, इसलिए मैं पहले टैक्स काटता हूँ फिर यहाँ से निकलेंगे, फटाफट पहले टैक्स काट लिया जाए। डीजल डलवाने आ चुका हूँ ये अपना इंडियन पेट्रोल पंप पे, क्योंकि कोई और है नहीं तो यहीं पर से डलवाएंगे। कौन सी जगह जी, किधर लगाऊँ, ये इधर ही, हाँ साइड लगाते हैं भाई, इस साइड लगा लेते हैं, ये इस साइड लग गया भाई, तो डलवाते हैं यहाँ से डीजल फिर निकलते हैं। 3500 का तेल डला है, बंद नहीं किया यार भैया, भूल जाते हैं। गाइस अब टैंकी मैंने करा लिया फुल, रीज़न कुछ नहीं है यार, 1-2 रुपये महंगा सही, बट यहाँ से 3500 रुपये का मैंने तेल डलवा लिया भाई, 1-2 रुपये देखेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे किसी ना किसी दिन। अब डलवा लिया मैंने फुल करवा लिया, अब इतना पता मुझे लुधियाना में जाके बेफिक्र होके अपना काम हो जाएगा। चलो भाई यहाँ से पानी भरते हैं, उसके बाद निकलते हैं अब सीधा कहीं रोटी खाने के लिए, ढाबे पर रुकेंगे बढ़िया वाले। सो यहाँ से पानी वगैरह भर लिया मैंने, अब निकलते हैं यहाँ से, पानी भर लिया, 3450 रुपये का तेल डलवाया मैंने डीजल, अब देखते हैं कितना एवरेज आता है फिलहाल और कितना रुपये बचता है अपना। सामने फ्लाईओवर आ रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर अब चढ़ के जाना है, जो कि सीधे मेरठ और मुजफ्फरनगर होके सीधे जाएगा अपना सहारनपुर, सहारनपुर से सीधे हम लोग उधर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है यार, एक तो ये देखो रास्ता कितना ख़राब है, देख रहे हो ट्रक और इसीलिए स्लो जाते हैं।
बस सामने आ गया रास्ता, आधा किलोमीटर रह गया, तो वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। भाई गर्मी इतनी है कि आग लग जा रही है गाड़ियों में। फ्लाईओवर दिख रहा है ऊपर, इस फ्लाईओवर पे चढ़ना है अपने को, इधर से जाना पड़ेगा। ये टोल इधर सामने दिख रहा है, तो इधर से टोल कटाएंगे। मैंने इंडिकेटर दे दिया पहले लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे कोई हो ना इसलिए फ़ोन बंद करते हैं पहले। ये देख सकते हैं सामने टोल है, ये यहाँ पर टोल कटवा लिया ये, और ये बिल्कुल अब पहाड़ी की तरह आएगा। आप लोग देखना, बिल्कुल पहाड़ की तरह लगेगा ये देख सकते हो, बिल्कुल पहाड़ की तरह बिल्कुल। ये देखो पूरा गोल घूम गया, चढ़ाई आ गई बिल्कुल पहाड़ की तरह। क्या गजब तरीके से बनाया गया यार, भाई कारगरी इसको बोलते हैं। पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, जो कि अंधेरे की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हाईवे पे अब देख सकते हैं, और सीधा ये हाईवे लेके जाएगा मुझे 28 किलोमीटर। सो सीधे मेरे को जाना 28 किलोमीटर। ओहो क्या चांद खूब लग रहा है ना भाई, औसम यार औसम। चांद भी खूब है, पास महबूब है। YouTube भाई मुझे कॉपी मत देना भाई, जोक तो थोड़ा बहुत करना चाहिए जिंदगी में। तो भाई ये वो रास्ता है ना जिस पे हम लोग 120-30 पे भी चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस पे झटके कम है। अब आगे जाके कहीं रोटी खाते हैं, क्योंकि आपके भाई को लग गया है बिल्कुल भूख। एक सामने टोल आ चुका है, फोन बंद करो भाई, पुलिस ही पुलिस खड़ी है इधर। तो जी सामने टोल आ चुका है, और यहाँ पे कटवाएंगे टोल और सीधे मेरठ के ओर निकल जाएंगे। भाई जाम किस बात की लगी है, इतनी जाम क्यों लगा है भाई, आखिर रीज़न क्या है। देख रहे भाई टोल पे इतना जाम लग जाता है। मेन चक्कर है ना, ये रोड बहुत ज़्यादा चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जाम है इस रोड पे। एक सेकंड के अंदर पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो यहाँ टोल कटवाते हैं फिर चलेंगे आगे। अपना नंबर आने वाला है, काफ़ी टाइम लग जाता है भाई टोल प्लाजा पे अपना नंबर आने में। ये लगता है इसको टाइम लगेगा, नहीं लगा, इसके बाद अपना नंबर है। ये चको भाई काफ़ी फास्ट है यार, फास्ट है इतना तेज कट रहा है, काफ़ी अच्छी बात है भाई, टाइम नहीं ख़राब हो जा रहा। अब भाई ये लोग इधर रुकेंगे क्योंकि नो एंट्री होगी शायद। और उस तरफ देखिए आप लोग ध्यान से, वो देखिए आरटीओ या कोई पुलिस वाले खड़े हैं, सभी को रोका जा रहा है। कौन है भाई हॉर्न मार रहा, निकल यार बेवकूफ कहीं का, हॉर्न नाजायजी मार रहा है। मैं रुक चुका हूँ ढाबे पे, ये देख सकते हो सामने ढाबा है, तो रोटी खाते हैं यार, भूख बहुत तेज लग गई है। हाथ धो के अच्छे से रोटी खाएंगे। और यहाँ पे लगवा रहा हूँ दाल मखनी, सो अभी आने वाला है थोड़ी देर तक। आ गया अपना भाई खाना, तो अब इसको खाएंगे फिर चलते हैं। तो गर्मा गर्म अभी दाल आ चुकी है, रोटी का इंतजार कर रहा हूँ, रोटी आ जाए फिर खाते हैं। आ चुकी है अब खाते हैं, रोटी वगैरह खा लिया, पेमेंट दे दिया, 120 रुपए रोटी के बने थे। तो अब निकलते हैं यहाँ से यार, मज़ा आ गया रोटी खा के भाई, कसम से एक नंबर का रोटी बना था। तीसरा टोल आ चुका है, अब यहाँ पे कटाते हैं पर्ची फिर चलते हैं। वाला पर्ची कटेगा मेरे को लगता है 220 रुपए लेंगे ये लोग, और बाकी देखो क्या कितना लेते हैं। पिछली बार मेरे को याद है मैं बहुत पहले आया था, 220 रुपए लगा था। रात की रानी भाई ये। मैं चाय पीने के लिए, ये पास में ढाबा है पीछे, तो यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं और चलते हैं यार, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आ रही है। तो गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट रहने देते हैं, उसके बाद फिर बंद करेंगे। सामने सहारनपुर का टोल आ चुका है, और यहाँ से रह गया टोटल अपना 64 किलोमीटर। सो चलते हैं फटाफट यार,
पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, देखते हैं कहीं रिफ्रेश होते हैं यार, फ्रेश होने की कोई जगह हो। देखो अब यहाँ पे कितने रुपए कटते हैं, शायद 35 से 40 कटेगा। इतने बड़े जो दिल है ना भाई, असल में पिकअप वाले की हो सकते हैं। देख सकते हैं सामने उसने लोड किया हुआ पाइप है कम से कम 20 फुट्टा। भाई जिगरे वाले तो पिकअप वाले ही होते हैं उल्टे सीधे काम करने के लिए। अब भाई काफी तेज चल रहा है, नहीं तो दिखा देता, सेम मेरी जैसी गाड़ी है उसके पास भी, और काफी खतरनाक मानना पड़ेगा भाई, काफी खतरनाक लोडिंग की हुई है। तो थोड़ा दूर रह गया यहाँ से 50-60 किलोमीटर। देखिए पाइपे लोड किया बंदे ने, देख सकते हैं ये कैसे पाइपे लोड किया है भाई। भाई मानने वाली बात है, जिगरे असल में पिकअप वाले की होते हैं, पिकअप वाले की खतरनाक वाले, बिल्कुल खतरनाक वाले। ओवरलोड ट्रक होते हैं, इनके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत स्लो जाते हैं। भाई पहला गियर लगाना पड़ गया, सोचने वाली बात है, महिंद्रा की गाड़ी को पहला गियर पहाड़ों में लगाना पड़ जाता है कभी कभी, वो भी अंडर लोड के नीचे हूँ। भाई ओवरलोड होता तो मैं मानता भी पहला गियर लगाना पड़ेगा, अब 3-4 क्विंटल है तभी भी पहला गियर लगाना पड़ जा रहा है। रीज़न यही है कि पहाड़ों में यही दिक्कत है यार, भाई जब ट्रक आगे चल गया ना तो तुम पीछे ही रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कार है, BMW है, चाहे कुछ भी है, पीछे ही रहोगे ट्रक के, क्योंकि ट्रक जाने नहीं देगा, ओवरटेक कर नहीं सकते हो। गाड़ियां रफ्तार से आती है भाई, लड़ गए तो क्या होगा, एक ओवरटेक के चक्कर में हम लड़ जाएंगे फिर क्या होगा, इसलिए ओवरटेक बहुत सोच समझ के करना चाहिए, थोड़ा लेट सही, क्योंकि यार लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पर ओवरटेक करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओवरटेक वहां करो जहां आपको आगे का रास्ता दिख रहा हो, अब ऐसी जगह पे ओवरटेक मत करो जहां पे गोल शेप रोड बन रहा हो, वहां पे ओवरटेक करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, बिल्कुल भी ओवरटेक ना करें बिल्कुल भी। आगे लोग ओवरटेक करना हट ही नहीं रहे हैं, उधर से रास्ता ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो गलत बात है ना भाई। ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं कि भाई कार वालों को खास करके रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ करते हो, ये भी तो कार वाले हैं, कितने अच्छे बंदे हैं, दोनों अच्छे से चल रहे हैं कि भाई ओवरटेकिंग के ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, और देखो इन लोग के चक्कर में बस ट्रक टेढ़े टेढ़े होके आ रहे हैं। भाई गलती किसकी है सच बताना कॉमेंट करके, गलत बात है कि नहीं। भाई यहाँ पे तो लग चुका है जाम इनके पागलों चक्कर में, क्योंकि जब आगे से आएगा ही नहीं तो जाम तो लगेगा ही ना, सिंपल सी बात है। अब जो ये ओवरटेक ना करके गए होते तो जाम नहीं लगता, कौन समझाए यार ऐसे लोगों को। भाई देख रहे हो क्या लोडिंग करके गया बंदा। बाकी सुबह सुबह की सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, भगवान आपका भला करे, आपकी ख्वाहिशें पूरी करे। सुबह सुबह की यह ताजगी पहाड़ों की अलग होती है भाई, सुकून मिल जाता है। ये व्यू देख लो दोस्तों, क्योंकि लोग ये व्यू देखने के लिए पहाड़ों में आते हैं, और आपका भाई फ्री में आपको पहाड़ों में लेके आ जाता है। वाह क्या मौसम है यार, गजब। भगवान के आगे यार सब कुछ फेल है, कुदरत के आगे। आई लव नेचर। पहली बार हम निकले हैं घर से लेके राम जी का नाम हो। वाओ सुपर यार, क्या लोकेशन है। टैक्स वाले ने पकड़ लिया हमें, भाई तभी बोलता हूँ देहरादून आप कभी भी आओ सेल टैक्स का बिल्कुल ध्यान दो। अब देखो पकड़ लिया, अब जा रहे हैं, और कितनी सारी गाड़ियां रुकी हुई आप लोग देख सकते हैं। तो निकलते हैं भाई, चलते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं पापड़ लहसुन। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपया खर्चा नहीं है भाई, पर फिर भी चलते हैं। छोड़ दिया सर ने, वहां पे बैठे हुए हैं और रोक लिया था। फिर ये इसीलिए कहता हूँ ये भी वेल वगैरह अच्छे से चेक कर लिया करो, ये गाड़ी भी रोकी है, 3 लगातार 3-4 गाड़ियाँ रोकी थी,
तो आप कभी भी ना भाई ई वी बिल जरूर अच्छे से चेक कर लें, अपना गाड़ी का नंबर चेक कर लें। रीज़न क्या है कि जो ये सेल टैक्स वाले पकड़ लेते हैं ना, जो एक भी मिस्टेक हो गई तो समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और आपको भी नुकसान सहना पड़ेगा, प्लस आपके मालिक को भी सहना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी ई वे बिल बनता है तो भाई गाड़ी नंबर ज़रूर चेक करें अपना, और बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सब बातें आप भी बिल्कुल ध्यान दें। रीज़न यही है क्योंकि आप जो देहरादून का गेड़ा लगाते हैं यहाँ पर भाई सेल टैक्स वाले बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं। आरटीओ नहीं मिलती जल्दी, पर सेल टैक्स वाले हमेशा मिलेंगे। तो आप यहाँ पर कभी भी आए तो रूल को फॉलो करें और अच्छे से सीट बेल्ट लगा के चलाएं। आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या यहाँ पर ना थोड़ा सिफारिश वगैरह या कुछ घूस वूस नहीं लेते, सीधे चलान काटते हैं। क्योंकि जो आप एक दिन आते हैं तो रेगुलर वाले बंदे की अलग बात होती है। सो ये सब बातें हैं। सो गाइस बने रहो वीडियो में, अब यहाँ से रह गए 20-30 किलोमीटर। दोस्तों अभी मैं रुका था ट्रांसपोर्ट में, मुकेश ट्रांसपोर्ट आप लोग को पता ही है, बंसीवाला में है। सो वहाँ पर रुका था तो फ्रेश वगैरह देख सकते हो गया। अब सैलाकुई के लिए निकल चुका हूँ, फैक्ट्री के लिए। यहाँ से रहेगा 3-4 किलोमीटर है। सो अब ऑन द वे हूँ, चलते हैं खाली करते हैं। रात को मैं आ गया था यहाँ पर लगभग 5 बजे आ गया था। सुबह 5 बजे आया था और सो गया था। उसके बाद अभी उठा हूँ तो नहाया हूँ, धोया हूँ, फ्रेश वगैरह होकर फिर निकल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर गाड़ी अब खाली करते हैं। यहाँ से रहेगा 3 किलोमीटर लोकेशन के हिसाब से। बहुत भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री है डिक्सन। अब यार पता नहीं गाड़ी कब तक खाली होगी, मुझे लगता है मैं टाइम पे आके गलती कर दिया क्या। भाई साइड में लगाते हैं, देखा जाए कब खाली करेंगे। फिलहाल तो अभी गेट के बाहर साइड में कहीं लगाऊंगा। सामने ये देख सकते हैं फैक्ट्री है डिक्सन, और यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी। जय माता रानी, हनुमान जी की जय। पहले गलत फैक्ट्री में चला गया था, और इस फैक्ट्री इधर है सैलाकुई के इस साइड फैक्ट्री में है, और मैं उस साइड चला गया। बट कोई बात नहीं, पहुंचने वाला ही हूँ, बस थोड़ा दूरी है यहाँ से। डिक्सन फैक्ट्री है यार, पता नहीं कहाँ पे है, पहली दूसरी फैक्ट्री छोड़ के बोल रहे थे। देखते हैं। पहुंच चुका हूँ, ये सामने ही फैक्ट्री है, तो यहीं पे उतरेगा माल। खाली हो गई है, ये हो चुका है खाली। फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए, 5 मिनट के अंदर खाली कर दिया इन लोगों ने गाड़ी, 5 मिनट भी नहीं लगाए। सो वेरी नाइस भाई, डिक्सन फैक्ट्री है तो काफी अच्छी बात है भाई। डिक्सन के लिए 1 लाख तो बनता है, गुड वर्क डिक्सन। तो गाड़ी को लगा रहे हैं बाहर, अब लेंगे इनसे पहुंच और उसके बाद चले जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग खाली करने के। तो बड़ी फैक्ट्री भाई बहुत कम करती है, बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी फैक्ट्री है ना, 6-7 ब्रांच है सैला कोई मिन लोग की। तो बिल्टी लेते हैं फिर चलते हैं। अभी मैं खाली हुआ है और खाली होके अब निकल चुका हूँ। सो यार बंदे नाइस थे, इन्होंने पहुँच वगैरह अच्छे से दे दिया। यार देखो काफ़ी फैक्ट्रियों में ना ये चीज़ें क्या प्रोवाइड नहीं करते यार, बहुत दिल दुखी हो जाता है। बट देख लो यहाँ पर हर चीज़ का सहूलत किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यार देखो हमारी कहीं कहीं इज्जत भी नहीं करते यार लोग, बहन जो हम लोग खड़े रहते हैं गुस्सा तो चढ़ता है यार। हम लोग खड़े रहते हैं और अगला इंसान हमें, यार रॉन्ग साइड आ गए, यही रोड था, रुक जाओ एक मिनट। सब बातें होती है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने यार मेरी गाड़ी खाली कर दिया, और बहुत अच्छा लगा यार मुझे। देखो वो रीज़न क्या है यार, कई लोग ना हम लोग की बातें भी नहीं सुनते, इन्होंने बस मुश्किल से 10-15 मिनट में खाली कर दिया। बहुत खुशी मिली यार मुझे, और मैंने स्पेशल उन लोग को थैंक यू बोल के फिर मैं निकला हूँ। और अब लगाते हैं सीट बेल्ट, क्योंकि सैलाकुई में भाई बहुत ही ज़्यादा रूल्स के वो होते हैं अकॉर्डिंग, भाई रूल्स इन लोगों ने पहले फॉलो करना है। इसलिए भैया हमने अच्छे से कर लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। करता हूं दोस्तों आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरीके के व्लॉग आप लोग के पास आते रहे और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें आप लोग के पास आते रहे, ताकि उससे नॉलेज आप लोग की बढ़े और मुझे मेरी भी बढ़े,
और आप लोग कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन से शहर में है और कौन से शहर में आप लोग को ज्यादा जाना पसंद नहीं है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद।